फ्रेंड्स, अगर आप भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई किए थे और आपका पैन कार्ड नहीं बना है, आपने एप्लीकेशन ट्रैक किया और आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और रीसबमिट आप कैसे कर सकते हैं उसी अमाउंट में जो आपका 106 रुपये कुछ पैसा कटा था, उसी अमाउंट में ये जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व आप कैसे कर सकते हैं। इसमें 1 रुपये भी चार्जेस नहीं लगेगा। इसमें जो ये प्रॉब्लम जो आया है, आपका डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट आपने नहीं अपलोड किया, इसलिए ये प्रॉब्लम आया है। चलो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सो मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है NSDL। NSDL जैसे ही आप सर्च करते हैं, उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट वाले लिंक पे ही आपको क्लिक करना होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ आपको नाउ स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको फर्स्ट पे सिलेक्ट करना होगा, न्यू पैन पे, और देन उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर था उस नंबर को यहाँ पे टाइप करना है और सेम कैप्चर को यहाँ पे नीचे फिल करना है। जैसे ही आप सेम कैप्चर को फिल करके सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है, वी हैव रिजेक्ट द डॉक्यूमेंट विथ ए रेफरेंस टू योर पैन एप्लीकेशन, हैवेल द डॉक्यूमेंट आर नॉट वैलिडेट, प्लीज़ चेक। चेक हेयर पे क्लिक करके और डिटेल्स में इसे चेक कर सकते हैं। बाकी अभी मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए टिक करेंगे, फिर उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, पहले आप साइड में भी देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, PDF में, JPG में, जो है JPG डॉक्यूमेंट, DOC में आपको करना होगा, और 2 MB से कम होना चाहिए ये फाइल। तो मैं जो है JPG ही अपलोड करूँगा। मैं एक बार आपको JPG अपलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपलोड जो है चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है उस डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ से जो है चूज करके आप देख सकते हैं। मैंने चूज कर लिया है अपना डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग में वो चला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे पॉपअप आ चुका है ग्रीन कलर का, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। आप जो है यहाँ से आप जो है अपना 2-3 दिन के बाद ट्रैक करिएगा, आपको अपना नया पैन कार्ड का है सबमिट हो जाएगा, फिर आपका